Hello students, today we will discuss about your next topic of chapter 3, metals and non-metals. Your topic is chemical properties of metals. Metals की chemical properties हम आज study करेंगे. First category है आपके पास reaction with oxygen. जब metals oxygen के साथ reaction करती है तब क्या फॉर्म होता है, दैट इज अ मेटल ऑक्साइड. मेटल्स ऑक्सीजन के साथ एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करती हैं, मेटल ऑक्साइड. इसकी वर्ड इक्वेशन आप लिखेंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा आपके पास, मेटल ऑक्साइड. एग्जाम्पल आप किसी भी मेटल का ले सकते हैं. बड़ा बेटा कोशिश करना कि आपने इजी से इजी मेटल का एग्जाम्पल लेना है ताकि एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम ना हो. यह हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम का. सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगी इसकी, मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड आपने वर्ड इक्वेशन को ध्यान रखना है, लर्न रखना है. अगर आपको वर्ड इक्वेशन आती है तो आप एग्जाम्पल किसी भी मेटल का अपने आप लिख सकते हैं. आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा. पोटेशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की है तो पोटेशियम ऑक्साइड. जिंक ऑक्सीजन के साथ आएगा, जिंक ऑक्साइड. ऐसे आप और मेटल्स के एग्जांपल्स भी दे सकते हैं. मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. आयरन करेगा, आयरन ऑक्साइड. आप किसी भी मेटल का एग्जाम्पल दे सकते हैं. आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए मेटल ऑक्साइड का. जब भी आपने केमिकल रिएक्शन नोट करनी है, रिटर्न करनी है, तब आपने उसके साथ उसकी स्टेट यहां मेंशन किया है मैंने, सॉलिड एस गैस सॉलिड, उसकी स्टेट रिएक्शन को बैलेंस करना है. यहां बैलेंस करके लिखाया गया है आपका फोर. फर्स्ट चैप्टर में हम बैलेंसिंग कर चुके हैं. उसके साथ साथ उसके नेम भी मेंशन किए. यहां पे नेम मेंशन नहीं है आपके, आपने नेम मेंशन अपने आप करने हैं. सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड. क्लियर? इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पास, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो तो इजीली रिएक्शन कर देती हैं ऑक्सीजन के साथ. लेकिन जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जस्ट लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, वो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं. और आपको पता कैसे चलेगा कौन सी रिएक्शन, कौन सी मेटल आपकी हाईली रिएक्टिव है और कौन सी मेटल आपकी लेस रिएक्टिव है, फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज. अभी हम आगे इस टॉपिक्स में भी रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा से पढ़ेंगे. चैप्टर फर्स्ट में भी हमने रिएक्टिविटी सीरीज को स्टडी किया था. वहां से आपको क्लियर होगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं और लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होंगी. सेकंड कैटेगरी आती है आपकी रिएक्शन विद वॉटर. वॉटर के साथ जब मेटल्स रिएक्शन करती हैं तो उसके टू केसेस आते हैं. या तो आपके जो मेटल्स हैं वो हॉट और कोल्ड वॉटर के साथ रिएक्शन करेंगी, अदरवाइज स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगी मेटल्स. जब मेटल आपकी वाटर में हॉट और कोल्ड फॉर्म में रिएक्शन करती हैं, तब आपका जो फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है, फॉर्म होती है. बट जब मेटल आपकी वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, जब स्टीम के फॉर्म में रिएक्शन करेगी, तब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो मेटल ऑक्साइड आएगा. हॉट एंड कोल्ड के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है और स्टीम के साथ मेटल ऑक्साइड की प्रिपरेशन होती है. यहां आपकी जो मेटल है वो इनसोल्यूबल होती है वाटर में, तब वो स्टीम के साथ फॉर्मेशन करती है. और यहां आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स यूज होती हैं और वो आपकी हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है. ये वाटर सोल्यूबल होती हैं. अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी, हॉट और कोल्ड फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्शन करेगी या स्टीम के साथ, हाउ टू नो? उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए. आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसकी आपके पास एक ट्रिक भी है लर्न करने के लिए, वो मैं आपको बता रही हूं. सबसे पहले आपकी ट्रिक होती है केदार कामाली. केदार मीन्स के, केदार नाथ सोडियम, का सी ए माली मैग्नीशियम, आलू जरा फीके से पकाता है. आलू एल जरा, जिंक फीके
आयरन सा एसन टिन पकाता पीबी कोई है आगे आए पकाता है कोई कॉपर है मरकरी आगे आए सिल्वर और गोल्ड। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है लर्न करने के लिए, क्योंकि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में यूज होती है, चैप्टर फर्स्ट में भी और चैप्टर थर्ड में भी। ये मस्ट है, आपको लर्न होनी चाहिए। इसकी ट्रिक है आपके पास, फिर से रिपीट हो रही है, के मतलब केदार, नाथ का माली, आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आए। ये लर्न करने के लिए आपकी ट्रिक है। अब आपने यहां ध्यान रखना है, जो आपकी हाईली रिएक्टिव है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती है। हाईली रिएक्टिव डेट मीन्स पोटेशियम से लेकर मैग्नीशियम तक जो आपकी मेटल्स आएंगी, ये आपकी हॉट और कोल्ड के साथ रिएक्शन करेंगी। हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम आपका डबल केस में आता है, ये इनसोल्युबल और सोल्युबल दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो मैग्नीशियम के साथ आपकी रिएक्शन जो होगी आयरन तक, ये आपकी स्टीम के साथ रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम दोनों केसेस में आता है, आप इसको हॉट और कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और स्टीम के साथ भी। जब आप इसकी रिएक्शन हॉट और कोल्ड वाटर की फॉर्म में करेंगे, तब आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होगी, MgOH होल्डवाइज। जब आप इसके स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, तब आपकी प्रिपरेशन में मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अदर रिएक्शन जो होगी आपकी लेस रिएक्टिव जो मेटल्स आती हैं, वो आपकी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। क्लियर, ये वाटर का केस था आपके पास। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, इसमें भी एक स्पेशली मेंशन किया है मैंने, मेटल्स डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन देयर रिएक्शन विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। स्पेशली ये ध्यान रखना है, ये आपका एसिड के केस का रिएक्शन आ गया। एक बार थर्ड रिएक्शन हमारे पास, रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड, एसिड के साथ जब आपकी मेटल्स रिएक्शन करती है तो क्या फॉर्म होता है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप यहां भी कोई भी मेटल आप यूज कर सकते हैं, किसी भी एसिड के साथ, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड्स के साथ आपने रिएक्शन करानी है। तब आप मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। किसी भी मेटल की रिएक्शन, जनरली हाईली रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन कराई जाती है आपकी, लेस रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन जनरली हम नहीं करते। सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल है आपके पास सोडियम, और हाइड्रोजन क्या है कंपैरिजन टू सोडियम लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिविटी सीरीज में क्लियर है, देखिए आप, हाइड्रोजन आपका नीचे आता है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती है, और पोटेशियम आपके पास ऊपर है, सोडियम आपके पास अबव सीरीज है। तो ये आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और ये आपका हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है कंपैरिजन टू दीज मेटल्स। तो आप इनमें से किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि आपके एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो H2SO4, HNO3 के साथ हाईली रिएक्टिव में किसी भी मेटल के साथ जनरली रिएक्शन कराई जा सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। सेम मैग्नीशियम के साथ हमने नाइट्रिक एसिड की कराई है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्रिपेयर। लेकिन आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। मेटल्स डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन देयर रिएक्शन विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्यों नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज उसकी नहीं होती। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब वो ऑक्सीजन के साथ इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता, या इलेक्ट्रॉन लूजिंग की कैपेसिटी भी आप बात कर सकते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, जहां इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग की टेंडेंसी होती है, आपके पास नाइट्रिक एसिड के पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग की प्रॉपर्टी, दैट मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव ही नहीं करेगा, तो वो किसी और मेटल के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व, दैट मीन्स रिलीज नहीं करेगा वाटर के साथ। क्लियर, यहां हमने आप थ्री प्रॉपर्टीज करी है अभी रिएक्शन की, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। सबसे पहले हमने किया है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। क्लियर,